although I just feel that that entire scene, दो तीन सीन थे जो मैंने और हसन ने बड़े सर जोड़ के कहा कि ये क्या जी, हुआ जी. है. पहला तो सीन यही था कि शादी की रात पे हसन को बहुत था कि इज दिस अ सेडक्शन सीन, इज समरा कमिंग टू हिम. मैंने कहा नो शी इज नॉट. ही सेड नो शी इज. वाज शी गोइंग टू हिम? नो. ये मैंने हसन को फिर बाद में बताया भी, दिस इज अ वेरी मेल गेज, आई एम सॉरी, बट यू वाचिंग इट फ्रॉम दैट पॉइंट, इज अ मैनस्प्लेनिंग इट. शी डज नॉट इवन आई थिंक goes towards him. वो कहता है कि सर दर्द हो रहा है. She does not say कि दबा दूँ. She just moves towards him and she's all, in fact I think she's more in a moment कि उसे शायद पहली बार नाइटी पहनी और उसे समझ नहीं आ रहा कि मैंने करना कि ये आदमी है और she knows what's going to happen that night for sure. But she is a little uncomfortable and she wants to break the ice, but she does not knows how. और वो उसके करीब जैसे जाती है तो वो हाथ पकड़ लेता है. Which is again, which you show the duality absolutely of that character's personality. कि वो फीका शलजम छिपकली सब कुछ कहेगा उसे, लेकिन फिर बीवी तो है, so he will strike that chord with her as well. तो बिल्कुल भी बस मूड समरा की नहीं थी. ये तो बिल्कुल ही कहीं और ड्रामा चला जाएगा. ऐसा होता तो कहीं ड्रामा चला जाता. और यहाँ ये बेसिकली यही था. और दूसरा जब वो उसको कहती है कि मैं फ़ोन नहीं करने दूंगी और कोई और औरत नहीं आती, उस पर मुझे बहुत हैरानगी हुई थी कि अभी जुमा 8 दिन. पर फिर हसन ने भी एग्जैक्टली वही कहा जो आपने भी किया, कहा कि शादी हो गई है तो दिस इज इट नाउ. ऑफ कोर्स मुझे लगता है शादी नहीं भी हो, औरतें तो अपने बॉयफ्रेंड्स को लेके इतनी वो होती है कि ये तो नहीं है ना बॉयफ्रेंड. वुमेन आर लाइक दैट. आप माने ना माने, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने इमोशंस एक औरत में ज्यादा डाले हैं, एक वो जिसको कहते हैं ना हुब और हिस, वफादारी भी ज्यादा डाली है, सिंसेरिटी भी ज्यादा डाली है, ऑटोमेटिकली उन सब चीजों की वजह से एक इनसिक्योरिटी भी थोड़ी सी आ जाती है जो कि आदमियों में नहीं होती. अच्छा एक और चीज जो मुझे ऐसा लगता है, जो हम हमेशा मिसोजिनी और इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, व्हेन आई वाज इन माय फिल्म स्कूल तो मैंने वो एक पढ़ी थी, बिकॉज़ यू आर आल्सो फ्रॉम लिटरेचर, 1001 अरेबियन नाइट्स, जहां से हमारी सारी लिटरेचर निकली. ऑफ कोर्स स्टोरी टेलिंग सारी वहीं से आई है. तो अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें, शहरयार द रूलर, ही थॉट वुमन आर अनफेथफुल, ही वुड स्लॉटर अ वर्जिन, मैरी देम एवरी नाइट एंड स्लॉटर देम द मॉर्निंग. और फिर वजीर को एक वक्त ऐसा आया कि वर्जिन लड़कियां नहीं थी और उनको अपनी बेटी देनी पड़ी. तो शहरेज़ाद जो उनकी बेटी थी, फॉर अ वुमन टू एस्केप डेथ शी वुड हैव टू ब्रू एंड मेक अ वेब ऑफ स्टोरीज. हाउ रिग्रेसिव इज दैट? बट दिस इज दैट्स व्हाट फोकलोर इज. एग्जैक्टली, इट्स फोकलोर. और फिर यहीं से आपकी सारी सिंधबाद और अलादीन और अलीबाबा 40 चोर एंड ब्यूटी ऑफ द बीस्ट जैसी आइकॉनिक कहानियां निकली. तो ये जो मिसोजिनी है वो तो स्टोरी टेलिंग के फंडामेंटल्स में है. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. लेकिन फिर प्रोग्रेसिव राइटर्स भी थे, वी चूज टू इग्नोर देम. वी चूज टू इग्नोर देम. तो आई रियली होप कि आप लोगों के रिव्यूज से ये चेंज आए. नहीं, हमारे रिव्यू से चेंज नहीं, लेकिन मुश्किल है, रिव्यू से मुश्किल है, आप लोगों के काम से आएगा. लेकिन आई रियली फील कि अगर एक देयर इज अ सेक्शन ऑफ द ऑडियंस एंड आई बिलोंग टू दैट सेक्शन जो अच्छा कंटेंट देखना चाहता. क्या मैं नहीं चाहती कि मैं अच्छे कंटेंट का हिस्सा बनूं? क्या मुझे बहुत चैलेंजिंग रोल्स मिले? क्या मैं नहीं चाहती कि स्टोरी टेलिंग उतनी प्रोग्रेसिव हो जाए? बट देन यू हैव नो ऑप्शंस. यू हैव नो. एंड दैट इज द रीजन आई डिड 3 ड्रामास इन 3 इयर्स. ओ माय गॉड, इट टेक्स, यू हैव टू लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ मनी बाय द वे टू से कांस्टेंटली नो. सो दीस आर वेरी इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स अमर. एक तो ये है कि मनी. बहुत लोग कहते हैं कि जी पेमेंट के प्रॉब्लम्स हैं. डू यू फील ए दैट देयर इज नाउ गुड मनी इन टेलीविजन एंड इट्स अ लुक्रेटिव प्रोफेशन टू बी इन? बी, इज देयर अ डिस्पैरिटी बिटवीन द वे वुमेन आर पेड एंड मेन आर पेड? ये मैं बड़ी इंट्रीग होती हूँ इन चीज़ों से और लोग इस पर बात नहीं करते इतना ज़्यादा. और क्या वक्त पे पेमेंट्स होती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली आई एम आस्किंग अबाउट द इज देयर इनइक्वालिटी एंड डिस्पैरिटी, ऑल दैट, इज देयर फाइनेंशियल करप्शन विद इन द टेलीविजन इंडस्ट्री? आई थिंक हमें शायद फिल्म और बाकी मीडियम्स के भी इतने पैसे नहीं मिलते जितने हमें टीवी से मिलते हैं. बिकॉज इट्स अ रनिंग इंडस्ट्री. बिल्कुल. यू डोंट हैव फिल्म्स एज अ रनिंग सिनेमा. इज यू नो इन अ बैड सिचुएशन. थिएटर नेवर सर्वाइव एंड थ्राइव दैट वे. सो इट्स ओनली द टीवी इंडस्ट्री व्हिच वाज अ
फुल फ्लेज रनिंग इंडस्ट्री, इस वजह से पेमेंट्स बिल्कुल थोड़ी सी देर हो जाती है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कोविड टाइम एंड ऑल, यू हैव डिलेड पेमेंट्स एंड ऑल, बट आई थिंक वी गेट पेड वेरी वेल. आई स्पेशली थिंक दैट ये पता नहीं क्यों, आप मुझे बताएं कभी किसी एक्ट्रेस ने ये बताया या नहीं, लेकिन वी गेट पेड मोर देन अ मैन ऑन दैट सेम ड्रामा. Women are paid more in dramas. Then really? Of course. That's amazing to hear. Yeah, yeah. I mean, agar ek drama mein Sajal hain, ya Saba hain, ya Mahira hain, ya Mehvish hain, ya even aur bhi adhakara hain, jo bahut zabardast hai, Yumna hain. Ye sab agar hain, to mujhe lagta hai ki, lagta nahi, balki I know, this is what I have from my resources, that they get paid more than a leading man in that drama. In fact, आप commercials interesting, that's very interesting. आप commercials देख लें, आपको कितने हमारे male heroes नजर आते हैं. I think ladies are doing more commercials. I think Instagram पे numbers देख लें, following किसकी ज़्यादा. वो और चीज़ है, वो और चीज़ है. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. But I'm talking about the pay scale. Is there disparity? This is one of the industries where women are paid a very handsome amount, and in fact sometimes more than. Excellent, that's really good to hear. Yeah, that's really really good. And to I hear. Don't know why people don't share that. Yeah. Because शायद वो narrative हमने borrow किया हुआ है west से कि वहाँ पे एक inequality का वो चल रहा है. हमारे मुल्क में content head औरतें हैं. हमारे मुल्क में channel owners औरतें हैं. तो ये एक बड़ी empowered इंडस्ट्री है. और एम्पावर्ड भी मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अ वेरी अप्रोप्रिएट टर्म. आई सेड दैट अर्लियर एज वेल. एम्पावर का मतलब होता है पावर देना. अ वुमन जिसको अल्लाह ताला ने ताकत दी है कि वो 9 महीने बाद एक लाइफ को बर्थ दे, क्रिएशन रिप्रोडक्शन कर सके, वो पावर का लाइसेंस वो ऊपर से लेके आती है. उसको कोई इंसान वो ताकत नहीं देता. मैं जेंडर डिबेट में बिल्कुल नहीं जाऊंगी कि कोई मर्द वो ताकत नहीं देता, लेकिन कोई इंसान इन जनरल वो ताकत नहीं देता, बिकॉज शी इज पावरफुल. सो वी नीड टू टेल आवर वुमेन दैट वी आर पावरफुल, वी आर नॉट एम्पावर्ड. ये कोई लॉ एजेंसी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई आदमी, कोई औरत आपको ताकत नहीं दे रही, ये आपके अंदर है. एंड यू जस्ट नीड टू आई थिंक डिस्कवर दैट एंड बिलीव इन इट. अमर, इज मी टू इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑल्सो अ बोरोड कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वेस्ट? Fortunately, I have not experienced that. That's what everybody says, but exactly, then there are stories exactly. that one hears. There are stories, and I think people who are coming forward and who are talking about that, a huge respect to them. People who are coming forward and kind of showing a borrowed concept again, nahi misuse karna chahiye is tarah ki movements ko. Jaise agar aap honestly mere se puchhe, to ye jo hamari औरत मार्च मूवमेंट भी है, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट आई एम अ फेमिनिस्ट एंड आई स्टैंड माई ग्राउंड वेरी फर्मली व्हेन इट कम्स टू यू नो वुमेन एंड देयर रोल इन द सोसाइटी एंड हाउ दे शुड बी रिस्पेक्टेड एंड गिवन द राइट अमाउंट ऑफ राइट्स. बट एट द सेम टाइम आई विल नेवर स्टूप सो लो कि मुझे अपना स्टैचर रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑपोजिट जेंडर को नीचे गिराना पड़े. But that's not what they do. एग्जैक्टली नहीं, आई थिंक कुछ जगहों पे ऐसा हो भी जाता है, मगर फिर इंडिविजुअल क्योंकि मैंने कुछ ना? देखा कुछ ऐसे बैनर्स थे जो कि बहुत मिसलीडिंग थे. हमारी मूवमेंट उस चीज के बारे में है ही नहीं. तो वो जो एक्चुअली बहुत जबरदस्त मूवमेंट चल रही है जिसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत पावरफुल हैं, आप कहीं ना कहीं उसमें भी वो एक छोटा सा सुराख क्रिएट, एक लूप होल क्रिएट कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए. इवेंचुअली अ मैन एंड अ वुमन, दे हैव टू कोएग्जिस्ट. So I think we need to respect each other at a humane level. Right. Then ये बड़ी important बात है आमना जी. Which is why Amar, it's also very important to respect people who have a voice that is not in synergy of with course. Everybody. Of अगर course. वो थोड़ी सी odd voice है भी, I may not agree with it. Yeah. But do I want to muffle that voice? नहीं यार. No, of course. अगर not. एक औरत कह रही है कि मुझे नहीं गोल रोटी बनानी, कहो yes. यार तुम्हारा हक है कहने का. बिल्कुल. So whatever they say, even if it's anti-man. एंड आई थिंक आजकल की तो हालात और सर्कमस्टांसेस और दुनिया ऐसी है कि इफ आई विल से दैट टू माई हस्बैंड इन फ्यूचर दैट आई कांट कुक, तो आई थिंक मैं बड़ी एमिकेबली उसको ये बात उस टोन में बता सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ. मुझे लगता है कि वो मेरे पे तोपे नहीं चलाएंगे क्योंकि तब मैं समरा नहीं हूँ. तो ये चीजें आई थिंक इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतना प्रोग्रेस तो हम कर चुके हैं कि वी कैन टेल अबाउट आर डिमांड्स.
लेकिन फिर अगेन But that's the dichotomy. No, it's Amar Khan's world has changed, but Samra's world has not, which is why आपको numbers आ रहे हैं. Exactly. तो ये तो बड़ा एक वो है, double-edged sword है. I think हम आजकल और उसमें मैं अपने आप को भी काउंट कर रही हूँ, हम एक बहुत जजमेंटल और एक्सट्रीमिस्ट लोग बन गए हैं.